स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो इस वक्त जांजगीर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बीवी के चेहरे को दांत से काट डाला, पति बोला दूसरे मर्दों से बात करती है, फिर सबके सामने लात घूंसे से जमकर पीटा, केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में पति ने अपनी ही पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। वो अपनी बीवी पर ही शक करता है, वो हमेशा उसे ताने मारता था कि तुम किसी दूसरों मर्दों से बात करती हो। सोमवार को भी उसने यही कहा, फिर सबके सामने ही पत्नी को पीटने लगा। बात यही नहीं रुकी, उसने अपनी बीवी के चेहरे को दांत से काट दिया। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र का है। सोमवार को इस मामले को लेकर मुलमुला क्षेत्र में रहने वाली मंजू देवी चातुर 42 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि वो आर्समेटा मोड में होटल चलाती है। सोमवार को भी वो होटल खोलकर लोगों को नाश्ता दे रही थी। इसी बीच उसका पति मंगलचंद 45 वर्ष वहां पहुंच गया। मंगलचंद ने पहुंचते ही उसको गाली देना शुरू कर दिया, फिर से यह कहना लगा कि तुम दूसरों मर्दों से बात करती हो, मैं सब जानता हूँ। इस दौरान मंजू उसे गाली देने और चिल्लाने से मना करती रही, मगर वो नहीं माना, उसने विवाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सबको लात घूंसे में मंजू देवी को पीट दिया, साथ ही मंगल ने महिला के चेहरे को दांत से काट दिया। इससे महिला के चेहरे से खून निकलने लगा। मारपीट में भी वो गंभीर रूप से घायल हुई है। आसपास के लोगों ने जब काफी बीच बचाव किया, तब जाकर मंगल ने मंजू को छोड़ा। इसके बाद मंजू ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। मंजू ने बताया कि उसका पति हमेशा उस पर शक करता था, रोज रोज इसी बात को लेकर झगड़ा करता था, कुछ काम भी नहीं करता, हमेशा शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहता है। सोमवार को भी वो शराब के नशे में था, शराब के नशे में ही उसने मारपीट की है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।